अस्सलाम वालेकुम, सोशियोलॉजी 101 GDB सॉल्यूशन 2022। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब ठीक होंगे और इस चैनल के साथ आप लोग वाबस्ता होंगे। मैं बीए साइकोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, बीए इंग्लिश सारे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि आपकी प्लेजरिज्म चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी के पास। इस GDB के लिए मेरी आप सजेशन मानिएगा कि कोई चीज़ कॉपी मत करिएगा, ठीक है। आपकी जो चीज़ आप लिखते हैं वो सारे रिकॉर्ड उनके पास होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये वाला कंटेंट, ठीक है, वेट, ठीक है, ये स्टूडेंट है, उन्होंने एक बनाई थी GDB, सॉरी ये वाली, लेट्स सी, ये आपके एक एक वर्ड जो है वो उनके पास होता है, ठीक है। लेट्स सी, देखिए ये जो है उन्होंने लिखी थी स्टूडेंट ने, ठीक है, ये सब उनके पास है लिखा हुआ। वेट 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 वेट, इतने वर्ड्स उन्होंने लिखे, इतने उन्होंने करेक्टर्स लिखे, ठीक है। और ये जो जो चीज़ें उन्होंने कॉपी की थी वो हाईलाइट हो चुकी हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी वो कॉपी हो चुकी हैं और हाईलाइट हो चुकी हैं, ठीक है। बिकॉज़ ये इंटरनेट पे ऐसे ही पढ़ा हुआ था, ये जो सीरीज़ ऑफ वर्ड्स थे ना ऐसे पढ़े हुए थे। और एंड पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ये देखिए ज़रा, ये चीज़ कि 7% ये सिमिलैरिटी थी इसकी, इंटरनेट पे 7% जो है अवेलेबल था। और जो है इस तरह किसी स्टूडेंट ने जो कॉपी किया हुआ था उसको इतने फिर मार्क्स मिले, ठीक है, 7% उसके इक्वल मतलब लिखने के उसके 2 नंबर डिडक्ट हो गए, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। आपने यहाँ से बस आइडिया लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ आपने यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। सेम टू सेम मत लिखिएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप इनको जो है अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं, मगर आप अगर ये जो वर्डिंग मैंने लिखी अगर इसको आप लिखेंगे तो फिर आपके जो है नंबर डिडक्ट होंगे, ठीक है। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था कि जो है फैमिली इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि क्रूशियल रोल जो है वो परफॉर्म करती है, बट पेंडेमिक की वजह से, ये जो वबा आई इसकी वजह से सोसाइटी के जो है ना जो चेंजिंग आई उसके अंदर, फैमिली की जो है फैमिली के फंक्शंस थे उनके अंदर भी चेंजिंग आई, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन कौन से ये जो हैं, हाउ फंक्शन ऑफ फैमिली हैव चेंज, फैमिली के फंक्शन वो किस तरह चेंज हो गए, तो आपने वो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो फैमिली का फंक्शन क्या होता है, बच्चों की सोशलाइजेशन करना, ठीक है। तो पेंडेमिक ने हर चीज़ कोई जो है वो हर चीज़ सफ़र हुई है पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। तो ये जो है लोगों बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है, बच्चों की जो सोशलाइजेशन है वो भी इसकी वजह से इम्पेयर हुई है, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, फॉरमोस्ट चेंज विच ऑब्जर्व नॉट इन पाकिस्तान बट इन इंटरनेशनल इन वॉज द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सोशलाइजेशन जो है वो चेंज हुई। नॉर्मल डेज़ में जो है फैमिली क्या करती है, बच्चों की सोशलाइजेशन करती है, और ये हमेशा से ऐसे चलता आया, ठीक है। बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक, ठीक है, वो उसकी फैमिली उसकी सोशलाइजेशन करती है। बूढ़ों की भी सोशलाइजेशन होती है, जवान बंदों को भी उनके जो है फैमिली मेम्बर्स जो हैं बड़े हैं उनकी, उनको नसीहत करते रहते हैं, दैट इज़ अ सोशलाइजेशन। तो पेंडेमिक के दौरान जो है इसके साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ गई फैमिलीज़ की। जैसे कि एक पहले जो है टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते थे, और अभी क्या हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, फैमिली क्या करती थी, पहले इनफॉर्मल एजुकेशन करती थी, बेटा ये काम करना है ये काम नहीं करना, अभी उनके साथ उसको और क्या करना पड़ गया, फैमिली के मेम्बर्स को पढ़ाना पड़ गया बच्चों को, ठीक है। तो ये फैमिली चेंज होगी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, बच्चे ने अभी घर में बैठ के इतनी देर पढ़ना है, ठीक है, वो अभी जो है गेम नहीं खेलेगा, वो अभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, वो जो है पढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है फैमिली जो है मतलब के अगर स्कूलिंग की बात करी जाए तो फैमिली जो है मतलब फॉर्मली पढ़ाना भी शुरू कर दिया फैमिलीज ने, ठीक है। तो इसके और इसके अलावा देखें कि जो पीयर ग्रुप होता है वो भी बच्चों की जो है सोशलाइजेशन करता है, वो भी सोशल इंस्टीट्यूशन। पीयर ग्रुप होता है आपके दोस्तों का, अपनी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनको खेलना जो होता है, दैट इज़ अ पीयर ग्रुप, ठीक है। तो जब बाहर ही नहीं निकलना घर से बच्चों ने, तो फिर क्या होना है, घर में उन्होंने कुछ करना है ना। तो फैमिली जो है अपने बहन भाई उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ जो है वो ट्रीट किया एज अ उनके पेयर, ठीक है, उनके दोस्त बन के उनको जो है ना ये 2-2.5 साल जितने भी है उनकी उनकी जो है अपब्रिंगिंग की है, ठीक है। तो ये भी मतलब फैमिली जस्ट सोशलाइजेशन उनका काम था, मगर साथ में उनको एज अ पेयर ग्रुप, एज अ पेयर मेंबर भी जो है ना उन्होंने साथ में ये वाली फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसके अलावा ये देखें, ये तो हो गया चलो हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट वेट एक सेकेंड वेट ओके। इसके अलावा देखें, और इसके अलावा क्या होता है, अगर देखा जाए तो फैमिली जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं,
वैसे स्पोर्ट जो है वो देखा जाए तो हॉस्पिटल जो हैं वो नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली नॉर्मली जो है हॉस्पिटल जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मरीज़ों की जो है देखभाल वगैरह करते हैं। अभी जो क्या हो गया, हॉस्पिटल्स भी बंद हो गए तो फैमिलीज ने क्या करना शुरू कर दिया, साथ में बच्चों को, मतलब कि वो जो पेशेंट्स होते हैं वो घर में ही जो है ना उनको डील करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह आपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने, इनसे मिलते जुलते लिख लीजिएगा, मगर ये वर्डिंग आप ऐसे ना लिखिएगा बिकॉज मार्क डिडक्ट अगर हो और ये वाला जो है आपके ऊपर फार्मूला लगे कि आप जो है 5% आपके मार्क्स जो हैं वो आए, मतलब कुछ भी आपने कॉपी किया हो तो उससे जो है वो हर्ट होता हूँ मैं भी। ठीक है, इनसे आइडिया लें और लिखें अपने वर्ड्स में, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर तक, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।